सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं को देखा जा सकता है। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर सन 1990 की है, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात से सोमनाथ से यूपी की अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। इस फोटो को शेयर करने वाले यूजर्स दावा कर रहे हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उनके सारथी वहां से भाग गए थे। यूजर्स का इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। एक यूजर ने लिखा, आडवाणी का रथ यात्रा, जब लालू जी ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार किया था तब मोदी रथ से उतरकर भाग गया था। एक और यूजर ने लिखा, समस्तीपुर के तत्कालीन डीएम आरके सिंह ने जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को 1990 में गिरफ्तार किया था तो उनके रथ के 56 इंची सारथी रथ से अपना झोला समेटकर 9-2-11 हो गए थे। वायरल हो रहे दावे का फैक्ट चेक करने के लिए हमने गूगल पर रथ यात्रा और गिरफ्तारी को लेकर सर्च किया। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे। अगले दिन पटेल ग्राउंड में उनकी जनसभा होनी थी। जब सभी कार्यकर्ता जनसभा की तैयारी के लिए चले गए तब रात में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं न्यूज नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस रथ यात्रा की प्लानिंग और प्रबंध करने में लगे थे, जिसके बाद उनकी मेहनत और लगन देखते हुए उन्हें मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली रथ यात्रा का सारथी बना दिया गया था। वहीं इस फोटो की फैक्ट चेक करने के लिए हमने गूगल पर रिवर्स सर्च किया। हमें आज तक की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, कैसा था सोमनाथ में माहौल जब आडवाणी राम मंदिर के संकल्प के साथ रथ यात्रा पर निकले। इस रिपोर्ट में वायरल हो रही फोटो का इस्तेमाल किया गया है। इसके मुताबिक जब रथ यात्रा निकली तो सोमनाथ के हालात के बारे में बताया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यह फोटो जब सोमनाथ से रथ यात्रा निकली थी तब की है। वायरल फोटो का फैक्ट चेक करने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स का दावा गलत है। जो फोटो शेयर की जा रही है वो बिहार की नहीं बल्कि गुजरात की है।